नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, लद्दाख से चीन को पीएम मोदी ने दी चेतावनी। मोदी के लद्दाख दौरे से तिलमिलाया चीन। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे पर कांग्रेस ने कसा तंज। क्या नई पार्टी बनाएंगे नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली। H1B1 वीजा वालों के लिए बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर कसा तंज। आज बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। मुंबई में जमकर हो रही है बारिश। हनी सिंह ने बनाई कमाल की बॉडी। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया वीडियो कॉलिंग ऐप। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम फायदेमंद खबरों से आप रह सकें अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खुद को अपनी ही पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी से बेदखल करने की संभावना के बीच नई पार्टी बनाने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो ओली ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी UML के नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा है कि यदि वे नवंबर में चुनाव जीतते हैं तो भारतीय IT पेशेवरों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय H1B वीजा पर लागू अस्थायी निलंबन को समाप्त कर देंगे। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन 23 जून को H1B व अन्य विदेशी कार्य वीजा को 2020 के अंत तक निलंबित कर चुका है। LAC पर चीन के साथ चल रहे मामलों के बीच आज अचानक लद्दाख पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जवानों ने दुनिया को अपनी बहादुरी का नमूना दिखाया है। वहीं लद्दाख में चीनी हरकतों पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब विस्तारवाद का जमाना चला गया और विकासवाद का वक्त है। मोदी ने चीन को मिटाने के भी संकेत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लेह दौरे की एक तस्वीर साझा की, जिसमें इंदिरा गांधी सेना के जवानों को संबोधित करती नजर आ रही है। इस तस्वीर के साथ मनीष तिवारी ने लिखा, जब इंदिरा गांधी लेह गई थी तो पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया था, देखते हैं पीएम मोदी क्या करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से चीन में खलबली मच गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी पक्ष ऐसा कुछ ना करे जिससे दोनों देशों के बीच माहौल और ज्यादा खराब हो। गौरतलब है कि चीन के अरियल रुख के कारण भारत चीन से बार बार कह रहा है कि वे बॉर्डर पर अप्रैल जैसी स्थिति कायम करे, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं है, इसलिए भारत अब करार रुख अपना रहा है, जिसको लेकर चीन में खलबली मची हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय सेना के रहते देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रही है। पीएम मोदी का आज लद्दाख जाकर सेना के जवानों को संबोधित करना और उनका उत्साह वर्धन करने से निश्चित रूप से सेना का मनोबल और ऊंचा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि कोरोना के समय में पटेल को परेशान करने के लिए ईडी को भेजना सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। प्रियंका ने आगे कहा कि अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, चीन हमारे क्षेत्र में घुस रहे हैं, पर सरकार अपना समय खर्च करने में व्यस्त है। मध्य प्रदेश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिलने के बाद आयात में दी गई रियायतों के लिए तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ की भूमिका को गंभीर बताते हुए पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग की। जानकारी के मुताबिक कमल पटेल ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी भेजा है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 177.72 अंक ऊपर 36,021.42 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी 55.65 अंक ऊपर 10,607.35 के स्तर पर बंद हुआ। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। वहीं अब सिंधिया को जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एक जुमला बन चुका है और अभी ऐसा कहने वाले और भी आएंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर राज्य में कोविड 19 से संबंधित टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 11.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, दून और श्रीनगर प्रत्येक के लिए 3.75 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल और मई का बिजली बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के अब कनेक्शन कट कर दिए जाएंगे, क्योंकि 30 जून तक बिल जमा कराने की विशेष छूट की अवधि समाप्त होते ही बिजली बोर्ड ने डिफॉल्टर की सूची बनाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य में कोरोना के बीच करीब 550 करोड़ के बिजली के बिल अभी तक जमा नहीं हुए हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना से सर्वाधिक असर वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 5 जिलों में इससे निपटने के लिए सैंपल टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले 90,000 के करीब पहुँच चुके हैं, जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया है। महाराष्ट्र में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। जहां तेज बारिश के कारण मुंबई वासियों को गर्मी से राहत तो मिली है, वहीं अत्यधिक जलभराव के कारण मुश्किलें भी बढ़ गई है। गौरतलब है कि भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। रिलायंस जियो में निवेश का जो सिलसिला शुरू हुआ था लगातार जारी है, जहां टेक्नोलॉजी क्षेत्र की जानी मानी कंपनी इंटेल कारपोरेशन की इकाई इंटेल कैपिटल ने 1894.50 करोड़ रुपए में 0.39% हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी है। आपको बता दें कि इस निवेश के बाद रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कुल 1,17,588.45 करोड़ रुपए का निवेश अभी तक हो चुका है। रिलायंस जियो ने जियो मीट वीडियो कॉलिंग ऐप को लॉन्च कर दिया है, जहां इसके जरिए एक बार में 100 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग की जा सकेगी। आपको बता दें कि जियो मीट को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। एक रिसर्च के मुताबिक एक जैसा पौधा अधिक लगाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि एक जैसे पौधे से ज्यादा कार्बन रिलीज हो रही है, और इसके साथ ही एक जैसा पौधा लगाने के कारण बाकी पेड़ों की प्रजातियां समाप्त हो रही है। कोरोना के बावजूद फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन स्टेडियम में दर्शक की मौजूदगी में होगा। इसके लिए टिकटों की बिक्री जल्द ही शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना के कारण फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को स्थगित किया गया था, जो अब सितंबर में होगा। मशहूर रैपर हनी सिंह ने लॉकडाउन के दौरान अपनी बॉडी में बहुत तेजी से सुधार किया है, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हनी सिंह ने अपने कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जहां इन शर्टलेस तस्वीरों में वे अपने मस्कुलर बॉडी को फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि वे फिट हैं। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान अब इस दुनिया में नहीं रही, जिससे पूरे बॉलीवुड समेत उनके फैंस को झटका लगा है। सरोज खान बॉलीवुड में 2000 से ज्यादा गानों में कोरियोग्राफर रह चुकी थी, जहां उन्होंने कई अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ काम किया था। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।